सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज, मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। अगेन फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, वीडियोस नहीं आ रही थी, तो फाइनली आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइज, अगेन काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनमें मैं बिजी चल रहा था, तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब ये वाली जो वीडियो होने वाली है, ये वो वाली होने वाली है रिगार्डिंग, अगर आप कनाडा लैंड कर रहे हो हाल फिलहाल में, तो आपका कितना एक्सपेंस आ जाता है इनिशियली एक मंथ का, या स्टार्टिंग में क्या एक्सपेंसेस आते हैं जिसको आपको माइंडफुल होकर चलना चाहिए कि इतना खर्चा तो मिनिमम आएगा ही कनाडा में अगर आप आ रहे हो रिसेंटली। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करें कि आप कनाडा लैंड करते हो तो आपका कितना खर्चा आता है ना, तो स्टार्टिंग से दो तीन सिनेरियोस लेके चलेंगे। एक, जब आप लैंड कर रहे हो और आप किसी को भी नहीं जानते कनाडा में, और एक, जब आप लैंड कर रहे हो और आपका कोई है नोन जो आपको एयरपोर्ट से पिकअप कर लेगा। ठीक है, मैंने लिस्ट बना रखी है। ये वाली जो चीज़ें होंगी हाल फिलहाल के अकॉर्डिंग होगी, लाइक अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग होगी। तो इनकेस अगर आप बाद में देख रहे हो तो उस अकॉर्डिंगली रेट्स को कन्वर्ट कर लेना, है ना। और गाइज, ये मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये मेरे अकॉर्डिंगली है। हो सकता है इसमें कई लोगों को लगे कि सही नहीं है या कुछ है, तो ये मेरे को जो सही लग रहा है, जो हाल फिलहाल में प्राइसेस चल रहे हैं उस अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको नहीं सही लग रही तो आप क्या ही बोलूँ मैं, नहीं लग रही तो हर किसी को नहीं अच्छा लग सकता है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप होगा तो ऑब्वियसली बताना, मैं करूँगा, ठीक है। तो गाइस, एक सिचुएशन लेते हैं। मान लो कि आप कनाडा आ रहे हो और आपका कोई भी रिलेटिव नहीं है, आप किसी को नहीं जानते, आप अपने ही मतलब पूरे अपने बेसिस पे ही आ रहे हो। तो आप जब टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट लैंड करोगे तो आपका जो फर्स्ट खर्चा होगा वो होगा कैब का, मतलब जहाँ भी आपने जो भी बुक कर रखा होगा, है ना, कैब का खर्चा होगा। तो अगर आप कैब ऊबर वगैरह करते हो तो वो बैठेगा आपका $200 से $250 के बीच में, है ना। और अगर अगर मान लो आपको ज़्यादा जानकारी, आपको प्रॉपर राइट जैसे ऐप्स के बारे में पता है और आप वो करते हो, सो गाइस मेरे को लोकेशन चेंज करनी पड़ गई क्योंकि हवा बहुत चल रही थी और मेरा ये गिर गया स्टैंड एक दो बार, ऐसे है ना, अब नहीं गिरना चाहिए इसे, ठीक है भाई, गिरियो मत। तो हम कहाँ पे थे? तो गाइस, मान लो कि आप कनाडा आ रहे हो, है ना, और आप का कोई रिलेटिव नहीं है और आप राइड करते हो, अगर आपको प्रॉपर राइड जैसी चीज़ों के बारे में पता है, तो वो आपको अराउंड $80 to $150 का कॉस्ट करेगा। वो डिपेंड करते हैं आपके लगेज के ऊपर और लाइक आपको कौन मिल रहा है। कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं लगेज के अकॉर्डिंग और कुछ लोग कम भी ले लेते हैं अगर शेयरिंग में होती हैं चीज़ें तो। और फिर अगर मान लो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपने आपको पता है चीज़ें यहाँ कनाडा के अंदर कैसे होती है, आपने ऑलरेडी लोगों से बात करी है, वीडियोज़ देख रखी हैं, तो फिर सीन ऐसे रहता है कि आप कॉलेज भी ना शटल्स वगैरह चलाता है, ऐसा कैब सर्विस वगैरह प्रोवाइड करता है, तो अगर आप कॉलेज को कांटेक्ट करते हो तो फिर आपका फ्री भी हो सकता है, देर आर चांसेस कि आपको कुछ भी पे ना करना पड़े। तो ये अगेन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने प्रोएक्टिव हो इन सब चीज़ों में, ठीक है। देन आप राइट से आपने मान लो कर ली, जैसे भी आपका बने चीज़ें बनी आपका हुआ, अब आप या तो मोटेल जाओगे या आप होटल जाओगे या आपने एयरबीएनबी कर रखा होगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कोशिश करना जो कंसल्टेंसी आपका वीज़ा लगा के दे रही है वो और लोगों का भी लगाती है, तो हो सकता है आप उनसे कनेक्ट करके एक ही मतलब चीज़ मतलब साथ में ही प्रेफर करना जाना, अगर बन पा रही हो सिचुएशन वैसी, तो मतलब कि एक ग्रुप में ना चीज़ें आपको सस्ती पड़ेंगी रादर कि जब आप अकेले करोगे तो। तो अगर आप मोटल करते हो तो मोटल गैस आपको पड़ जाएगा $40 to $50 पर डे का। और देन अगेन अगर आप एयरबीएनबी करते हो तो वो उसकी कॉस्ट आएगी आपको $350 to $1200 के बीच में एक हफ्ते का। और अगर आप होटल करते हो तो वो आपको अगेन $350 to $1200 तक ही आएगी, वो भी एक हफ्ते का बता रहा हूँ मैं। डिपेंड करता है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है, कैसा है, हम जानिए, मतलब डिपेंड करता है फैसिलिटीज़ वगैरह के ऊपर, है ना। और अगर इन केस कि आपका कोई रिलेटिव रहता है तो आपका एयरपोर्ट का खर्चा बच जाएगा, वो लेने आ जाएंगे, और आपका जब तक आपको घर नहीं मिल रहा, कोई अकोमोडेशन नहीं मिल रही, तो वो वाला पार्ट भी बच जाएगा, आपका एयरबीएनबी या होटल करने वाली सिचुएशन भी नहीं आएगी, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका कोई नहीं रह रहा है तो आपको एयरबीएनबी होटल वगैरह भी देखना है, तो अब आपको खाने का भी देखना पड़ेगा,
है ना। तो खाने का अगर आप एक दिन में एक से दो टाइम भी खाते हो तो आपका खर्च आएगा $20 से $30। और ये मैं तब कह रहा हूँ कि लाइक समझ रहे हो आप पैसे बचा के चल रहे हो, नहीं उड़ा रहे हो ज़्यादा। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप खाना कैसे खा रहे हो, मतलब किस किस जगह खा के किस जगह खा रहे हो। तो ये वाला कॉस्ट उस हिसाब से आपकी डिफर करती है खा रहे हो और कहाँ नहीं खा रहे हो। देन फिर आपको एयरबीएनबी मिल गया, फॉर एग्जांपल आपका हो गया रहने का, तो अब आप कोई घर ढूंढोगे यहाँ पे कनाडा में शिफ्ट होने के लिए, है ना। ये अगेन अगर आपने घर वगैरह इंडिया से ही फिक्स कर रखे तो अगेन आपको एयरबीएनबी का खर्चा भी बच गया, आप डायरेक्ट वहीं जाओगे। तो अगर आप घर ढूंढोगे तो हाल फिलहाल में आपको लंदन और किचनर का अगर मैं बताऊँ तो 350 से 550 के बीच में मिल जाएगा। बढ़िया सा तो नहीं, मतलब अगेन वो आपके लक फैक्टर पर डिपेंड करते हैं कि आपको कैसी चीज़ें लिखी हैं, आपकी किस्मत में कैसी मिलनी है। तो आपको मिल जाएगा 350 से 550 तक का शेयरिंग में। और अगर आप पर्सनल रूम देखते हो तो यही मैं कहूँ कि 550 से 700 हज़ार तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या साइज़ है क्या है अभी, ना ना। तो ये एक मैं एक एस्टिमेटेड फिगर्स दे रहा हूँ, इनके बीच में बैठ सकता है, मिनिमम टू मैक्सिमम इतना बैठना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा पे कर रहे हो तो अगेन कोई आपको पागल बना रहा है। फिर मान लो आप ग्रॉसरी करोगे, पहले मंथ की जो ग्रॉसरी होती है वो डिपेंड करता है कि आप इंडिया से क्या सामान ला रखे हो, है ना, और आप यहाँ पे आके क्या खरीद रहे हो। अगर आप इंडिया से सही, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप सब कुछ लेके आ जाओगे, तो मिनिमम 220 से 280-290 तक आपका पहला मंथ का ग्रोसरी का खर्चा आना चाहिए। पार्ट कि आप इंडिया से खाने पीने के बर्तन ला रखे हो, कुकर वगैरह नॉर्मल वो सब चीज़ें ला रखे हो, ऐसा नहीं कि पूरा सब कुछ यहाँ पे आके ही खरीद रहे हो। देन अगेन अगर आपको घर ले लिया आपने, है ना, और ग्रोसरी का हो गया, तो आप दो चीज़ें होंगी यहाँ पे, या तो आपको घर में बेड मिलेगा या तो आपको एक लेना पड़ेगा मैट्रेस, यहाँ पे यूजुअली मैट्रेस वगैरह चलते हैं। तो अगर आपको मिल गया तो वेल एंड गुड है, पर अगर आपको नहीं मिला तो अगेन $100 से $180 का खर्च आएगा एक अच्छा खासा ट्विन मैट्रेस लेने में, है ना। फेसबुक वगैरह से भी मिल जाते हैं तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। फिर अब ऐसा तो है नहीं कि तुम पैदल ही ट्रैवल करोगे, तो अब फिर उसके लिए तुम्हें बस पास चाहिए होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक तो बस पास आपका कॉलेज वाला पास होता है वो चल जाता है, पर वो तब स्टार्ट होता है जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा होता है, है ना। तो अगर आप उससे पहले आ रखे हो तो या तो आपको टिकट्स के बेस पर ट्रैवल करना पड़ेगा, या आपको एक यहाँ पे स्टोर्ड वैल्यू करके बनता है, जैसे आपने उसमें $20 डलवा दिए, है ना, $5 का आपका कार्ड बनेगा और उसमें आप जैसे कितने भी डलवा सकते हो, मैक्सिमम 100 तक। तो फिर आपको वो कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपने $20 5 का कार्ड बनाया और ₹15 डलवा दिए, $15 डलवा दिए उसमें, तो फिर आपका वो यूज़ होगा। उसका ये रहता है 2.65 के अराउंड कटते हैं, और वो आप 90 मिनट्स तक फ्री में, मतलब कितना भी ट्रैवल कर सकते हो 90 मिनट्स के बाद। अगर आपका वो टाइम अप हो जाता तो अगेन आपके 2.65 डॉलर्स कटेंगे, और यही 3 समथिंग हो जाता है अगर आप टिकट वगैरह परचेज करके करते हो तो। और अगर कॉलेज का ये सीन रहता है कि अगर मैं अपने कॉलेज का बताऊँ तो मेरे कॉलेज में तो गाइस बहुत महंगा है, पास का सिस्टम बना है। मेरे कॉनेस्टोगा कॉलेज में $306 का बनता है मंथली पास एक सेमेस्टर का, जिसमें 4 महीने का और होते हैं, उसमें अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो, पर वो $300 का बन रहा है। तो अगर मेरे को दूसरे सेमेस्टर का बनवाना है तो अगेन मेरे को $306 पे करने पड़ेंगे, समझ रही हो। और यही अगर मैं फैनशो कॉलेज की बात करूँ ना, तो फैनशो जो फैसिलिटी देते हैं उसकी फ़ीस में ही कार्ड इंक्लूडेड होता है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने, और वो आपका पूरा एक साल तक चलेगा जब तक आप फैनशो में पढ़ रहे हो। और इनकेस अगर आप सेकेंड कोर्स ले रहे हो फैनशो में, तो वो जो आपका समर ब्रेक है ना वो भी कवर करेगा, तब भी वो कार्ड चलेगा। तो गाइस ये बेनिफिट है कॉलेज टू, ये अगेन चीज़ें डिफर करती हैं, है ना, मेरे कॉलेज का ऐसा सीन है। देन अगेन आपको मान लो फॉर एग्जांपल कुछ यूटेंसिल्स वगैरह लेने हैं बेसिक, तो आपका $50 से $100 का खर्चा आ सकता है डॉलरामा से, है ना। डॉलरामा में फिर मतलब थोड़े मिलते भी मतलब देखने पड़ेंगे आपको कैसे लेने कैसे नहीं। और फिर अगर आपने मैट्रेस वगैरह भी ले ली तो फिर अब आपको एक कंफर्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप इंडिया से कुछ छोड़ निकले नहीं लाए तो, या तो आप इंडिया से एक पतला सा ला रखे हो, अगर नहीं लाए तो कंफर्टर भी $20 से $60 के बीच में आएगा, तो ये भी एक खर्चा है। फिर अगेन डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज और कोर्स आपका, कुछ यहाँ पे ना ऐसे भी होता है कि कुछ कोर्सेज के लिए आपको बुक्स वगैरह ऑनलाइन परचेज करनी पड़ती है, जैसे मेरे कोर्सेज में है मेरे को ऑनलाइन परचेज करनी पड़ती है, उसमें असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, तो अगेन उसका
डिपेंडिंग ऑन द कोर्स $100 तक का खर्चा मान लो मिनिमम, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये अगेन डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही ना हो। फिर अगर आप विंटर्स में आ रहे हो तो आपको विंटर गियर्स भी लेने पड़ेंगे, जैसे शूज़, जैकेट और ग्लव्स, है ना। हाल फिलहाल हवा इतनी तेज़ चल रही है, मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रखे हैं। तो अगर आपको शूज़ भी लेने पड़ेंगे, वैसे तो नॉर्मल शूज़ भी चल जाते हैं स्टार्टिंग में, मैंने तो अभी तक विंटर शूज़ लिए नहीं है, मैं तो अपने नॉर्मल वाले ही चला रहा हूँ, है ना। पर भाई फिर संभल के चलना पड़ता है उसके लिए, तो ये सबका अपनी चॉइस होती है। जैकेट तो मैंने विंटर वाली लेनी पड़ती है, इंडिया से पता नहीं आपके ऊपर है, अगर आपकी चॉइस है आपको कहाँ से लेनी है, मैं सजेस्ट करूँगा यहीं से लो। बट अगेन आप अगर इंडिया से डीकैथलॉन वगैरह या कहीं से लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो। ग्लव्स भी यहाँ मिल जाते हैं, अगर आप कभी मतलब अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाएंगे $20 से $25 के बीच में। और अगर आपको यहाँ पे आके G1 बनवाना है अपना, जो G1 का खर्चा आता है $106 से ही, कि आप अपना इंडिया से एब्स्ट्रैक्ट ला रखे हो, उसके बाद आप सीधा जी दोगे। अगर आप पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो इसका खर्चा शायद ज़्यादा आता है, 186 या 196 के अराउंड आता है, पता नहीं, पर इतना आता है अगर आपको G1 बनाना है तो। मतलब फिर उसमें आपकी फ़ीस इंक्लूड होती है G2 वगैरह की, तो ऐसा सीन रहता है कुछ। तो गाइस ये कुछ बेसिक खर्चा है जो आपका स्टार्टिंग के मंथ में, मेरे को लगता है मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी और इन इनके लिए आपको पे करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि ये सिनेरियोज लेके चलना अपने माइंड में। और ऑब्वियसली अगर आपका कोई नोन रहता है तो काफ़ी मदद हो जाती है, अगर वो मदद करने वाला है तो, अगर नहीं है तो फिर अगेन आप अपने ही दम पे हो, आपको खुद ही करनी है चीज़ें, तो ऐसे रहता है सीन। और मेरे को लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें मेरे को इंपॉर्टेंट लगी वो कवर करी है। इनकेस अगर कुछ नहीं करी हो तो कमेंट में बताना, मैं रिप्लाई कर दूंगा अगर मेरे को पता होगा तो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना जितना हो सके, ठीक है। बाकी यही है गाइस, जो इनिशियल मंथ में आपका खर्चा होता है, और इनिशियल मंथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको $2000 मिलते हैं GIC जो आपने इंडिया से करवाई होती है। अब तो शायद चेंज हो गया, अब मेरे को नहीं पता कितने मिलते हैं, पर जब मैं आया था उस टाइम पर $2000 आपके अकाउंट में आते हैं। अब तो GIC का अमाउंट ही ऑब्वियसली बढ़ गया है, तो इसके अकाउंट ये मेरे को हाल फिलहाल नहीं पता है, मैं डाल दूंगा वीडियो में ना अलग से। तो वो और आप इंडिया से मिनिमम मतलब अगर मैं कहूँ तो कितने भी ला सकते हो, $100 से जितनी आपकी लिमिट चाहे, $3,000, $4,000, $5,000 ला सकते हो, वरना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने लाने हैं। मैं तो कैश ही प्रेफर करूँगा, कैश लेके आराम से यहाँ पे कहीं भी ATM वगैरह में ले, अगर अंटिल आप पे मतलब वैसे रिसिप्ट कोई इतनी पूछ नहीं है, फिर भी अगर है तो सही है। मैंने कभी फॉरेक्स कार्ड वगैरह ऐसे यूज़ करा नहीं ना, मेरे को वो कन्वीनियंट लगती हैं चीज़ें, तो मैं तो कैश ही लेके आया था। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स एंड द वीडियो, दिस वीडियो विल बी एंडिंग इन 3, 2, 1 बाय बाय। और गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी तो उसमें काफ़ी मैं ऐसे गुड न्यूज़ दूंगा, है ना, तो देखते हैं वो कितने के लिए गुड होगी और कितने के लिए बैड होगी, पर वेट करना नेक्स्ट वाली वीडियो। बाकी गाइस मैं यही कहूँगा कि अपना तगड़ा होके आना, है ना। ऐसी बहुत सी सिचुएशन आएंगी जब आपकी कहीं जगह आँखों के अलावा भी बहुत जगह से पानी आ जाएगा, तो ना मतलब बिलीव करना खुद के अंदर कि हाँ आप कर सकते हो। और मतलब ऑब्वियसली अच्छा टाइम भी आता है तो टाइम विल चेंज, है ना, और बढ़िया होंगी चीज़ें विद टाइम, अच्छी होंगी। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको मतलब थोड़ा चीज़ें ऐसी लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, पर अगेन आपको खुद ही हैंडल करनी है वो चीज़ें। और आप मैं मेरे को लगता है कि आप कर सकते हो, है ना, अगर आप खुद पे भरोसा रखो तो। तो गाइस अपना तगड़े हो गया ना, बढ़िया है ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नीज़।